इतने दिन से भाई हम हर कंट्री के सिटी सेंटर, मॉल, स्टैचूज, मोन्यूमेंट्स, रोड्स, टोल टैक्स और बॉर्डर दिखाए जा रहे थे और खुद भी देखे जा रहे थे। बट आज भाई थोड़ा सा चिल फन वाला व्लॉग होने वाला है, क्योंकि हम जा रहे हैं अल्बेनिया के किसी एक खूबसूरत बीच पे। क्योंकि काफी लोगों ने भाई हमें ऐसा कहा है कि यूरोप के वन ऑफ द बेस्ट बीचेस है अल्बेनिया में, तो मैंने कहा फिर जाना बनता ही है। आज रूम टूर ले लो फटाफट से, दो सिंगल बेड लगे हुए थे, बाकी तो नॉर्मल ही है, कुछ खास नहीं, एसी लगा हुआ है एंड ये वॉशरूम था भाई बड़ा सा और जेट स्प्रे है यहाँ पे। एंड इसका रीजन है क्योंकि यहाँ पे काफी मुस्लिम पॉपुलेशन है, इसलिए जेट स्प्रे उनके लिए जरूरी होता है। यूरोप में उम्मीद नहीं थी हमें वैसे कि जेट स्प्रे देखने को मिलेंगे, बट मिल रहे हैं तो अच्छी बात है। कुछ ऐसी होटल की लॉबी है, नीचे पूरा मैट लगा रखा है और दीवारों पे ऐसे वॉल ड्रेम्स है। होटल तो अच्छा है भाई, हमें टोटल ये 50 यूरोज पर नाइट पड़ा है विद पार्किंग, यानी कि 4,800 रुपीज, जो इंडिया के अकॉर्डिंग तो महंगा है बट यूरोप के हिसाब से ठीक है। है ही नहीं वो भाई साहब, तो ये है भाई यहाँ की लॉबी। नाम क्या था उसका, बीच का पूछना था, चलो कोई नहीं खुद ही देख लेंगे। पहले तो भाई पेट पूजा करने जा रहे हैं, गाड़ी को पार्किंग में ही लगा रखे, क्योंकि गाड़ी लेकर जाएंगे तो फिर वही पार्किंग नहीं मिलेगी और मिलेगी तो पैसे भरने पड़ेंगे, उससे अच्छा यहीं पे लगे रहने देते हैं। यहाँ से 800 मीटर है रेस्टोरेंट बस। यूरोप में ना वैसे तो इतनी तारे देखने को नहीं मिलती, बट अल्बेनिया की गलियों में बहुत है, ये रेजिडेंशियल एरिया और यहाँ पर देख रहे हो बिजली की पूरी फैली पड़ी है बालकनियों के बाहर। तो वही है भाई, यूरोप भी परफेक्ट नहीं है जैसा हम मूवीज में देखते हैं या फिर हमारे दिमाग में सोच होती है ना कि ऐसे हर चीज मस्त होगी, रोड साफ सुथरी होगी। नो डाउट होती है साफ सुथरी, बट भाई गड्ढे भी होते हैं और रोड टूटी फूटी भी होती है। बाकी एरिया बहुत अच्छा है भाई, हमारे होटल के आसपास का मेन सिटी सेंटर से लगभग 1 किलोमीटर दूर है, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे सब चीजें हैं। हालांकि हम ये जो सिटी सेंटर वाली चीजें थी आज नहीं घूमेंगे, ना आपको घुमाएंगे अल्बेनिया की, हम सीधा थोड़ा दूर जाएंगे यहाँ से 40 किलोमीटर गाड़ी चला के। वहाँ पे भाई बहुत खूबसूरत बीच चीज है, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट 4 कंट्रीज जो थी ना हमारी इस ट्रिप की, वो भाई लैंड लॉक्ड कंट्रीज थी, यानी कि वहाँ पे कोई भी समुद्र या बीचेस नहीं हुआ करते थे, सारी जमीन ही जमीन थी आसपास बॉर्डर्स पे। बट अल्बेनिया लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, यहाँ पे आपको बहुत सारे बीचेस देखने को मिल जाएंगे। जो सबसे बढ़िया बीच है ना अल्बेनिया को, वो यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है, तो हम वहाँ तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे हम अल्बेनिया की कैपिटल सिटी तिराना में है, तो यहाँ से जो नियरेस्ट बीच है ना वो 40 किलोमीटर दूर है, इसलिए वहीं जाएंगे खाली। अल्बेनिया ना यूरोप की 18th स्मॉलेस्ट कंट्री है एंड वर्ल्ड रैंकिंग पे 145th नंबर पे आती है। इसके टोटल एरिया की बात करें तो वो है भाई 28,748 किलोमीटर स्क्वायर, और पॉपुलेशन की बात करें तो इस कंट्री में टोटल 28 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से भाई 5 लाख लोग तो तिराना में ही रहते हैं, इनकी जो कैपिटल है। यहाँ की मोर देन 50% पॉपुलेशन मुस्लिम है एंड मेजोरिटी लोग यहाँ के अल्बेनियन बोलते हैं। यहाँ पे भाई एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप दिखी है और ड्रोन लेने का मन सा कर रहा है, काफी लोग कमेंट्स भी कर रहे थे कि ड्रोन लो, शॉर्ट्स लो अच्छे अच्छे। तो यहाँ पे तो भाई लीगल है वैसे भी, इसलिए आपको DJI के सारे मिल जाएंगे। मिनी है और कौन सा FPV है यार, दिलवा दो भाई प्लीज, FPV दिलवा दो, मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसान मंद हूंगा। हाउ मच फॉर दिस Mavic Mini? These are imported or official product of Europe? iPhone, iPhone सब मिल रहे हैं भाई यहाँ। Imported from somewhere else or these are the European yes. European products? Yeah. Okay. So how much for this? Some around 700. मिनी बहुत पुराने वाला है, सबसे पुराना एयर भी पुराना है इनके पास, UAE में थे सस्ते, यहाँ पे तो बहुत महंगे है, दुबई से ले लेना चाहिए था बट पैसे नहीं थे भाई उस टाइम पे। पैसे तो वैसे अभी भी नहीं है, खर्चा इतना हो रहा है ट्रिप पे, बट मन सा कर जाता है ऐसी चीजें देख के ना, लालच जाग जाती है अंदर। ये वाली बिल्डिंग देखो भाई साहब, कैसी अजीब सा स्ट्रक्चर है ना, चार है एक साथ और खिड़कियां बनी हुई है मस्त एकदम। इस कंट्री की पॉपुलेशन इतनी कम इसलिए है क्योंकि जितने भी अल्बेनियंस है ना वो भाई अल्बेनिया में ना रह के वर्ल्ड के दूसरी कंट्रीज में रहते हैं ज्यादातर, क्योंकि यहाँ पे काम ढूंढना काफी मुश्किल है एंड कंडीशंस भी काफी बेकार है उनके लिए। अल्बेनियंस के अकॉर्डिंग इनको ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज ग्रीस, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी एंड टर्की जैसे देशों में मिलती है, जहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है ना भाई साहब, बहुत तगड़े तगड़े कैफेज है एंड ज्यादातर कैफेज के बाहर ना ऐसे ये फुहारे से लगे होते हैं गर्मी की वजह से शायद से, बट भीड़ देख रहे हो कितनी तगड़ी हो रही है यहाँ पे, तो मस्ट ईट है। और यहीं पे देखो टर्किश आइसक्रीम भी मिल रही है, हमें तो खाना खाना है सीधा वहीं चलते हैं बस डायरेक्ट। बट ये एरिया ऐसा है, नाइट लाइफ भी यहाँ पे प्रॉपर होती होगी। अच्छा एक फन फैक्ट भाई, अल्बेनिया में ना आपको मैकडोनल्ड्स देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ना तो कभी मैकडोनल्ड्स ने ट्राई किया यहाँ पे आने का और ना कभी अल्बेनिया ने ट्राई किया उनको यहाँ पे लाने का। अच्छा सिनेमा हॉल है यहाँ पे शायद से, एक उनके पोस्टर्स लगे हुए देख रहे हो, इंडियाना जोन्स का बड़ा प्रमोशन चल रहा है भाई इनका दबा के, एक ये मिशन इम्पॉसिबल का लगा हुआ है भाई साहब, पूरा लग्जरी माहौल लग रहा है यहाँ पे तो, पक्की बात है बहुत महंगा होगा खाना भी। बाहर तो मस्त फुहारे वुहारे लगा रखे इन्होंने एंड ये है चक्रा रेस्टोरेंट इंडियन फ्यूजन, लेट्स गो भाई, खुला हो बस। ओ मस्त है यार अंदर तो देख रहे हो, गजब
हेलो हाँ यहाँ बैठते हैं सोफे पे बैठेंगे मस्त टेक लेके। बाहर बैठने की तो हिम्मत नहीं थी, गर्मी बहुत हो रही है, अंदर एसी चल रहा है। लो भाई खाना आ गया है अपना। एंड हमने भाई अनियन मंगवाए थे, इन्होंने तो पूरा अनियन सलाद ही दे दिया, बट बटर नान ठीक है। एक्चुअल में शेफ जो है वो इंडियन ही है तो टेस्ट भी सही होगा। चलो जी खाना खा लिया है, टेस्ट अच्छा था, बट बिल टोटल आया है 3,450 लेख जो यहाँ की करेंसी है। और एक ये बिल अलग दिया भाई इन्होंने 300 लेख का, जो की था इतनी सी पानी की बोतल, बताओ लीटर भी नहीं है पूरा। वही तो, लगभग 250 रुपए इंडियन करेंसी में। कार्ड से पेमेंट करिए, 3,335 रुपीज कटे हैं। और हमें जाना है ये ड्यूरेस बीच, यहाँ से टोटल 43 किलोमीटर है येरा कोने में, और हम है इस टाइम पे बिल्कुल सेंटर में तिराना। इस कंट्री का ऑलमोस्ट 70% एरिया ना माउंटेन टेरेन है। कल वाले व्लॉग में जब हम बॉर्डर से आए थे तब भी आपने देखा होगा भाई की हर तरफ पहाड़ी पहाड़ थे और रस्ते भी पहाड़ी वाले थे प्रॉपर। एंड इसी रीजन की वजह से ना यहाँ पे काफी सारे ट्रैकिंग रूट्स और हाइक्स है जो फॉरेनर्स आके ट्राई करते हैं। चांदनी चौक की तरफ भाई यहाँ पे भी बुक्स ऐसे देख रहे हो पटरी पे बिकती है, हालांकि रेट महंगे होंगे बहुत ज्यादा, वो 100-100 रुपए में नहीं मिलेगी यहाँ पे जो फेक मिलती है ना इंडिया में। तो अभी फिलहाल जल्दी होटल जा रहे हैं और होटल से गाड़ी पिक करेंगे और भाग लेंगे सीधा, एक घंटे की ड्राइव है, क्योंकि अल्बेनिया में भाई जी वैगन छोड़ो मतलब मर्सिडीज की गाड़ियां बहुत ज्यादा बिकती है। कल गाड़ी लगाने में बड़ी दिक्कत हुई थी तो इन्हीं को लेकर जा रहे हैं भाई, निकालवा भी ले सकिए। लिटरली कल 25-30 मिनट लगे थे खाली पार्क करने में, इतनी ना पतली पतली सी है नीचे पार्किंग, तो अभी ये थोड़ी हेल्प करवा के निकलवा देंगे सही रहेगा। ये है बिल्डिंग के बेसमेंट में, इनकी खुद की पार्किंग नहीं है, ये इन्होंने लीज पे या रेंट पे ले रखी होगी होटल वालों ने। इस तरह के छोटे छोटे खांचे से बने हुए हैं, इनमें गाड़ियां लगी हुई है। एंड ये वो वाला खांचा है जिसमें हमारी गाड़ी है। तो ये जो रास्ता है ना बस ये ही बहुत ज्यादा नैरो है, अंदर तो खुली जगह है, बट यहाँ से निकाल के गाड़ी को मोड़ के ले जाना थोड़ा सा टास्क रहेगा। चलो जी चलो निकालता हूँ फटाफट। गाड़ी में आते भाई मस्ती फीलिंग आ जाती है ऐसे, क्योंकि इंडियन ब्रांड है ना, इंडियन गाड़ी है और इंडिया की सड़कों में भी बहुत चलाई है, तो थोड़ा वो अपनापन सा फील होता है। रेंट करो ना कोई गाड़ी तब फील नहीं होता भाई, बट इसमें मजा आता है। जाते ही एप्पल कार प्ले डलवाना है इसमें पहले, तो मजा आ जाएगा। देख रहे हो भाई साहब एक बारी में निकाल दी, इसे बोलते हैं टैलेंट। पिछले 2 महीने से भाई सिटी लाइफ इतनी ज्यादा देख ली ना, अब ऐसा लग रहा है बस थोड़ा आउटस्कर्ट्स में चले, बीचेस वगैरह पे पानी में नहाए, शांति से रहे, तो इसलिए आज का दिन हमने डिसाइड किया बाहर जाने का। एंड अभी तक तो भाई बिल्कुल वही हाईवे ही चल रहा है, तो इसलिए कोई ट्रैफिक नहीं है, लेकिन वहां पर ना गूगल मैप में दिखा रहा है कि ट्रैफिक मिलेगा थोड़ा सा। अभी शाम के 5 ही बजे है, वैसे भी आराम से पहुंच जाएंगे भाई 5:30 या 6:45 तक, और फिर 2 घंटे होंगे हमारे पास सनसेट तक, आराम से मजे करेंगे वहां पे और फिर सनसेट देख के वापसी आ जाएंगे। ऑलमोस्ट भाई पहुंच चुके हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर रह गया है और ट्रैफिक लगा हुआ है, तो काफी सही सिटी है, मतलब ना गोवा वाली वाइब्स आ रही है यहाँ पे। देख रहे हो पेड़ वेड़ भी पूरा, और यहाँ भी टूरिस्ट काफी दिख रहे हैं, तो रुकना चाहिए था हमें यहाँ पे भी मेन सिटी सेंटर में, फालतू में ही रुके इस जगह पे आके रुकते क्या मस्त होता ना, बीच भी पास में ही है। इधर लेफ्ट राइट में हर जगह कैफेज है, होटल्स है और ऐसे वॉकिंग स्ट्रीट बनी हुई है, लोग मस्त घूम रहे हैं। कपड़े वगैरह भी बीच वाले ना बहुत बिक रहे हैं यहाँ पे, तो देखते हैं कोई टी शर्ट ले लेंगे स्लीवलेस और मस्त। क्यों घूमोगे? अरे यार स्लीवलेस पहन के ऐसे एप्स दिखाना तुम तो अपने थुलथुला हो गया भाई, मेरे एप्स आने लग गए और ये ट्रिप में थुलथुला होने लग गया, ऐसा क्यों? तो अभी भाई पार्किंग ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे पार्किंग का ही लफड़ा है, और सबसे ज्यादा डर ना पार्किंग को लेकर ही लगता है, क्योंकि एक बार हो चुका है हमारे साथ, वहाँ पे लोग लगा गए थे ना वो, तो लोग लगाना तो फिर भी ठीक है, पैसे दो चालान भरो ले जाओ, अगर वो टो करके ले गए ना तो हमारा पूरे दिन की ऐसी तैसी हो जाएगी कि कहाँ पे गाड़ी गई है कहाँ से लानी है। तो इससे बेटर है किसी अच्छी जगह पे पूछ के लोकल से कि यहाँ पे पेड पार्किंग है, तो पहले ही पैसे वैसे दे दो ताकि पुलिस वाले लोक ना लगा के जाए या टो ना करके जाए। गूगल मैप के अकॉर्डिंग पहुंच चुके और ये झोला से लेके खड़े भैया शायद पार्किंग वाले होंगे। पार्किंग इंग्लिश बीच दिस पार्किंग दिस पेड पार्किंग, पता नहीं उन्हें समझ आया नहीं आया क्या तो रहे है। ये कोई प्लाज लिखा हुआ है यहाँ पे, लेट्स सी। अबे नहीं हाँ होटल क्या है, पार्किंग है लिखा तो, बट ये होटल की पार्किंग है। चलो भाई बैक करो, कहीं और है पार्किंग। ये सामने है तो पार्किंग, बट किसकी है क्या है फ्री है नहीं है कुछ नहीं कह सकते।